भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी संवाद है। हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज काफ़ी खुशी लग रहा है या काफ़ी अच्छा लग रहा, क्योंकि ढेर दिन हो गया था मेरा ये थी। आज एक ऐसा चीज़ का हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि जो शायद आप लोग कहिएगा, देख करके कहिएगा कि क्या बात है। तो ढेर दिन हो गया था मेरा, मतलब कि पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद है जो कि हम आपको बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। हम नहीं लाए हैं, मतलब कि एक दोस्त था उसके थ्रू है जो कि मंगाएं, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था ऑफिस से, ठीक है ना। तो उसको फ़ोन करके, मतलब वो आया था तो उसको बोले कि हमको कि जाना तो ट्रली देखना उधर, अगर मिल जाएगा तो लेकर के आया। तो फिर उसके शॉप पर गए, वहाँ से फिर हम रिसीव करके लाए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या हम लेकर के आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये क्या है, आप अंदाज़ा लगाइए, नहीं तो हम ताले इसको खोलते हैं। इतना मोटा है, क्या है जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं क्या है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। तो ये बुक है और इसका ये साथ में आया था, तो इसमें है, ठीक है। तो ये नया बुक लाए हैं, आज जस्ट आईवे किया है, मतलब कि दोपहर में आया था तो रखा हुआ था, तब सोचे कि घड़ी खोल करके देखते हैं। हम सोचे कि चलो कुछ यादगार बन जाएगा, तो आज हम ऐसा खोल करके देखते हैं कि आप लोग के भी साथ शेयर करते हैं, कि आप लोग के भी अच्छा लगे, कि अगर आपको भी मन हो तो इस तरीके का बुक आप ख़रीद सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो हम यहीं अपना मार्केट से ही, तो ये देख सकते हैं बुक काफ़ी मोटा है। तो इसका लेने का देखिए वजह दो है। पहला वजह तो कि पहले यहाँ पे एक बुक था रूम पर, तो वो बुक है जो कि पांडे भैया का था, तो वो भैया लेकर के चल गए। तो हम पढ़े थे ये बुक, तो हमको थोड़ा सा इसमें से पढ़े थे तो हमको थोड़ा आदत लगा हुआ था। ये बुक काफ़ी दिनों से जो कि हम सोच रहे थे कि लेंगे तो ले नहीं पा रहे थे, तो आज फाइनली आज ले लिए हैं। और ये बुक है जो कि लेने का यही मकसद था कि चलो यार, कम से कम मन को शांति करने के लिए, या आदमी के जब टाइम मिलता है तो कभी कदार बैठे रहने से अच्छा है कि बुक को कुछ पढ़ना चाहिए। कुछ बुक है जो कि पहले भी हम जो कि आपको दिखाए हैं या बताएं कि हम बुक पढ़ते हैं, बेशक हम थोड़ा टाइम हमको कम मिलता है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, मगर हाँ जो भी मिलता है उसमें हम चाहते हैं कि मेरा टाइम जो भी मिले उसको जो कि हम कुछ सीखने में बिताएं। और ये अपना एथी है, धर्म का है अपना, मतलब कि कुछ इससे ये इसमें से जो कुछ सीखने का चीज़ है, इसीलिए हम सोचे कि चलो ले आते हैं। और बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है जो कि आपको ये लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये बुक लाने का भी ये है कि अब ये बुक लाए हैं, अब इसमें से जो भी पढ़ेंगे या कुछ सीखेंगे जो आप लोग के साथ भी शेयर करते रहेंगे बीच में, ठीक है। इससे रिलेटिव जितना भी मोटिवेशनल या मोटिवेट करने वाला जो चीज़ रहेगा वो हम आप लोग के साथ शेयर करें। तो यही फाइनली मेरा आज शौक था, या शौक काफ़ी दिनों से था, मगर ये जो है नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। इसको आज समझिए कि मेरा आज पूरा हो गया है, ये है जो कि काफ़ी दिनों से जो कि शौक मेरा था। तो इसको हम लोग थोड़ा खोलते हैं, फर्स्ट पेज खुलने के बाद कुछ इस तरीका के लगता है, ओके। और ये है, हम आपको ये दिखाते हैं, ये दो पेज है जो कि बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पर से स्टार्ट होता है श्रीमद् भागवत गीता। इसका यहाँ पे मूल वगैरह दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कितना मूल का है ये सब है, ठीक है। और ये दो तरीका का आता है, एक मोटा में आता है, एक पतला में आता है। ये मोटा वाला है, एक पतला भी आता है, ठीक है ना। जो आप छोटा, मतलब कि A4 से इसका समझ लीजिए कितना में रहता है वो, ऐसे पतला रहता है वो, उसमें सिर्फ हिंदी में रहता है, इसमें दोनों है, हिंदी या संस्कृत दोनों होगा। अभी हम पूरा ये देखे नहीं है, मगर ये हिंदी मोटा है, इसमें जो कि हिंदी संस्कृत दोनों होगा, क्योंकि पहले हम देखे थे भैया वाला, उसमें दोनों था, हिंदी संस्कृत दोनों था। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। नर्म निवेदन, विषय सूची, पहला अध्याय, और यहाँ पर पहला अध्याय में है पांडव और खरगोश सेना के मुख्य महारथियों का वर्णन है, ठीक है। आठवां अध्याय श्लोक रेखा चित्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जो कि आपका संस्कृत में इसका लिखा रहेगा श्लोक, और उसके नीचे जो कि आपका हिंदी में वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसी तरीका से रहता है सबका। यहाँ पर गीता योग,
संजय, हे संजय, धर्म श्रेष्ठ, धर्म भूमि। सर यहाँ पर ही इसका संक्षेप किया हुआ। पहला अध्याय ये चल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये श्लोक हो गया, और उसके बाद यहाँ पर से जो इसका ये टोटल 1216 पेज का ये है बुक। भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी संवाद है।